हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बिहार कोर्ट, जो पटना हाई कोर्ट के अंडर गाइडेंस में ये वैकेंसी रिलीज की जाती है, ये लगभग 6 साल के बाद है। ये वैकेंसी लास्ट टाइम 2016 में आई थी, ठीक है। उसके बाद ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, और मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में बताऊँगा। इसलिए प्लीज़ चैनल पे बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको एक एक डाउट्स यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। नोटिफिकेशन कब आएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, 2016 के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है, ठीक है, किस तरीके के कपड़े पहन के जाने हैं, ये भी मैं आपको यहाँ डिटेल में बताने वाला हूँ। और साथ में आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का होता है, ठीक है, और सिलेबस क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिहार कोर्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन का जो सबसे पहला अपडेट है, वो टोटल अब 8801 पदों के लिए वैकेंसी रिलीज की जाएगी। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका एक नोटिफिकेशन या कहे कि एक इंटीमेशन डाला जा चुका है, ठीक है। जुडिशियल जो जुडिकेचर ऑफ पटना हाई कोर्ट है वहाँ के वेबसाइट पे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पोस्ट की। तो पोस्ट में सबसे पहला जो है क्लर्क, क्लर्क का 44 से 34 सीट है, ठीक है। राइटर 1132। तो फ्रेंड्स, राइटर का मतलब मैं आपको बता दूं कि राइटर का मतलब होता है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, ये 1132, मतलब ये सेम पोस्ट ही है। तो थोड़ा सा इसे आप लोग, मैं यहाँ कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, दोनों सेम पोस्ट है और 1132 ही पोस्ट है, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते स्टेनोग्राफर की। तो स्टेनोग्राफर की 1562 सीटें हैं, प्यून की जो सीटें हैं 1673, ठीक है। तो ये ऑर्डरली प्यून होते हैं, मतलब कि एक तरीके से कहिए कि ये आदेश पाल होते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये चीज़ जान लें कि इसकी योग्यता क्या होगी। तो योग्यता मैं आपको पोस्ट वाइज बताऊँगा। तो क्लर्क और जो स्टेनोग्राफर और जो ये आपका कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर है, इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो होगा आपका ग्रेजुएशन, ठीक है फ्रेंड्स। बात कर लेते एज, तो एज मैक्सिमम आपका 32 साल, और आपका जो बेनिफिट्स ओबीसी और ईबीसी एससीएसटी को जो मिलते हैं, और जो 35% जो रिजर्वेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है, इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी इंग्लिश है, ठीक है फ्रेंड्स। चौथी जो सबसे बड़ी अपडेट है कि इसका नोटिफिकेशन, जो आप लोगों के लिए बहुत ही एक क्रूशियल पॉइंट होता है कि नोटिफिकेशन आखिर रिलीज कब होगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे पता चला है, ठीक है, और मैं भी आशा करता हूँ 99% चांस है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब आ जाएगा, 3rd week of July, ठीक है फ्रेंड्स। तो जुलाई के तीसरे सप्ताह के लास्ट में आप लोग मान के चल सकते हैं 21-22 जुलाई के आसपास ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि मैं आपसे आपको डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसको दूंगा। तो आप लोग चैनल पे रेगुलर विजिट करते रहें और आपको मैं ओरिजिनल हूबहू वही क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा। अब बात कर लेते हैं, मैं एक बात छोड़ गया कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न एज लाइक एसएससी के एग्जामिनेशन जैसा होता है, बैंकिंग के एग्ज़ाम जैसा नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, इसमें यह कि हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और मैथ, रीजनिंग और जीएस का पोर्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात है इस एग्ज़ाम की कि इस एग्ज़ाम में आपको स्लीपर, हाफ शर्ट, ठीक है,
ये पहन के ही आपको जाना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था। पटना हाई कोर्ट का भी जो पेपर, जो पटना हाई कोर्ट के लिए स्पेशल निकला था, उसके लिए भी ऐसे ही हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है कि आपका बिहार SSC CGL 3 का आखिर एग्ज़ाम का डेट कब रिलीज होगा, कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम एक तरीके से मान के चलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा कि बाढ़ का सिचुएशन है और कोसी में आप लोग से छिपा नहीं है, इस बार एक बार फिर से कोसी का जल स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण बिहार SSC का एग्ज़ाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में होता है, बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना मान के चलिए कि ये आपका जो एग्ज़ाम है सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा, उससे पहले नहीं हो रहा है। तो आपके पास लगभग 3 महीने समय है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है 67 BPSC प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का। तो आप लोग तय मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम अगर अपरिहार्य कारण, जो BPSC का होता है, तो अपरिहार्य कारण एक ही हो सकता है, बाढ़ की स्थिति कंट्रोल में रही, तो आपका एग्ज़ाम 100% अगस्त का जो लास्ट वीक है उसमें होना ही होना, यानी कि 28 अगस्त को होना ही होना है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सारा आपको ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन एंड प्लीज़ मोर लाइक एंड शेयर। थैंक यू।